हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल ई एजुकेशन विथ स्टडी 2417 में स्वागत है। दोस्तों, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि इस बार के एसएससी जीडी एग्ज़ाम में क्या नॉर्मलाइजेशन होगा और क्या जिनके नंबर 60 या 65 या 50 से 60 के बीच में हैं, क्या उनको भी दौड़ का चांस मिल सकता है, उनको भी वो भी दौड़ के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, और क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन जो है एसएससी इस प्रकार से करेगा कि जिनके 60 से 65 के बीच में हैं या जिनके 50 या 55 के लगभग में हैं, 50 से अबव जिनके नंबर आ रहे हैं, जो कि जिनके 50 से अबव क्वेश्चन सही हैं, क्या वो भी दौड़ के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपको हम इन प्रश्नों के जवाब ज़रूर देंगे। तो पहले आपको बता दें, एसएससी जो है इस बार भी नॉर्मलाइजेशन जो है करेगा एग्ज़ाम में, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, क्योंकि यह कई दिनों तक एग्ज़ाम चला था और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइप के पेपर आए थे एसएससी जीडी एग्ज़ाम में। तो इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एसएससी जीडी ने एसएससी ने पहले ही कह दिया था कि हम एसएससी के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो इसका फ़ायदा किन किन बच्चों को पहुँचेगा और किन को नहीं पहुँचेगा, तो आपको बताएँगे कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो ज़्यादातर बच्चों का नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है। और नॉर्मलाइजेशन के फ़ायदे से आपके 10, 15 या 20 जो है नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी शिफ्ट का पेपर जो है बहुत कठिन आया हो, बहुत हार्ड आया हो, और किसी शिफ्ट का पेपर जो है बहुत इजी आया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है किसी के 50 रह गए हों नंबर और किसी दूसरी शिफ्ट में बच्चों के नंबर 80 या 85 हो गए हों, तो इनको इनमें जो है समानता लाने के लिए जो है एसएससी नॉर्मलाइजेशन करता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वह एसएससी स्वयं करता है और वह बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में कुछ बच्चों के नंबर 10 से 15 या 20 तक भी नंबर बढ़ जाते हैं, और वो बच्चे जो है एसएससी में जिनके 60 हैं तो उनके सीधे जो है 80 हो जाएंगे, और जिन बच्चों के 50 हैं उनके नंबर जो है 70 हो जाएंगे। तो उन बच्चों को भी दौड़ की जो है इस बार एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में वो दौड़ के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और उनकी दौड़ होगी और उनका फिजिकल का पूरा उनका जो है एग्ज़ाम होगा। फिजिकल में जो भी दौड़ लंबी कूद छलांग होती है वो उनको भी करने को मिलेगा। तो इस बार जो है, क्योंकि जो है 58,000 पोस्टें हैं टोटल, पहले 55,000 थी, उसके बाद एसएससी जीडी ने कुछ पोस्टें बढ़ाई थी तो 58,000 कुछ समथिंग पोस्ट थी। तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि लमसम 2,00,000 बच्चे जो हैं इस बार दौड़ में भागीदार होंगे, लमसम 2,00,000 से ऊपर ही, 2,00,000 से एक भी कम बच्चा नहीं होगा, 2,00,000 से ऊपर ही बच्चे दौड़ में भागीदार होंगे। तो इन बच्चों की दौड़ कराई जाएगी, लमसम 2-2.5 लाख बच्चे जब दौड़ में जाएंगे तो उसमें से 58,000 बच्चे जो है छांटे जाएंगे, इसमें कुछ महिला भी होंगी, कुछ पुरुष भी होंगे। तो इस प्रकार से इस बार एसएससी जीडी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो बहुत जिन बच्चों के 50 या 60 नंबर हैं वो घबराएं नहीं, क्योंकि जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होकर रिजल्ट आएगा तो आपका दौड़ में ज़रूर नाम आएगा, ये मेरा पूरा भरोसा है और पूरी संभावना भी है। तो वो लोग हार ना माने जिनके 50 हैं या 55 हैं या 60 हैं, वो बच्चे भी दौड़ में इस बार जाएंगे और दौड़ करके आएंगे और सेलेक्ट भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,